विधायक जी और हम लोगों के पास समय समय पर राजकुमार और उनके साथी जाते रहे। शुरू शुरू में बड़ा उत्साह दिखा, बीच में बड़ा राजकुमार कभी कभी निराश हो जाता और जब मेरे पास हमारे पास पहुंचता था तो मैं कहता था कि क्यों फिक्र कर रहा है, तो हो ही जाए। और इसे लगता था कि भाई ये सांसद जी तो अपना सामान्य तरीके से मेरी बात को ले रहे हैं। ये कहते थे कि भाई मेरे लिए तो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य। मैंने कहा हम और विधायक जी तो लगे हैं और जहां हमें करना है करेंगे, लेकिन चेयरमैन साहब को जरूर पकड़े रहना, क्योंकि जो फाइल का काम है और जो उसमें कमियां हैं उनको बारीकी से अगर कोई दूर कर सकता है तो मोहिंदर सिंह जी जैसा अधिकारी कर सकता है। तो ये बहुत आसान काम नहीं। जहां तक जो कर्मचारी यहां है एसोसिएशन के, मैं विशेष रूप से इसलिए भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जब मेरा मौका आया, जब पार्टी का कभी काम आता है तो लोग हमेशा आप लोग पार्टी के साथ खड़े रहते। नोएडा के विकास में अगर आज नोएडा को एक पहचान मिली है, अगर नोएडा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों का उसमें सहयोग ना होता तो जो नोएडा की पूरे विश्व में एक पहचान बनी है वो पहचान नहीं बन पाती। इसमें सबसे ज्यादा आप लोगों का सहयोग, इसलिए मैं तो आपका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। विकास के बहुत काम हुए हैं जो इस सरकार में हुए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, और विकास की इतनी लंबी लिस्ट है कि जब ये एक साल सांसद बने हुए मुझे हुआ तो मैंने जब वो लिस्ट भेजी तो एक हमारे पत्रकार मित्र बोले भाई इतना तो संभव नहीं है छापना, क्योंकि इतना काम ले नहीं, सब माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, विधायक जी, हमारे चेयरमैन साहब, हम सारे अधिकारी, एलपी सिंह जी और सब अधिकारियों के सहयोग से और आपके सहयोग से इस नोएडा का पिछले एक वर्ष में, दो वर्ष में जब से सरकार आई है तेजी से विकास। अंत में ज्यादा ना कहते हुए उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे चेयरमैन साहब, अधिकारीगणों का आभार व्यक्त करते हुए और इस विश्वास के साथ, कर्मचारियों से इस अपेक्षा के साथ कि नोएडा के विकास में आप हमेशा जिस लगन के साथ काम करते रहें, उस लगन के साथ काम करते रहेंगे जिससे हम सब मिलजुल के इस नोएडा को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाना चाहते हैं उसे बना सके, वो सपना साकार हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।